بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته unit number 5 and 5 unit ये आपका है comparison and contrast ठीक है पहले इन दोनों लफ्जों को समझ लें comparison ये होता है कि आप एक जैसी चीजें या एक जैसी खसूसियात की बात करते हैं या similarities यानी जो चीजें एक जैसी हैं उसके बारे में आप बात करते हैं contrast ये होता है कि दो मुख्तलिफ चीजें या दो चीजों को दो अशखास को दो आइडियाज को आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप उनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनको हम कंट्रास्ट कहते हैं ठीक है आमतौर पर जैसे हम कलर भी कहते हैं जी कंट्रास्ट में कलर चाहिए कंट्रास्ट में क्या मतलब है कि उस कलर से जो उसके बरक्स हो तो हम उसके लिए वर्ड कंट्रास्ट यूज करते हैं अब इसमें आप कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट दैट इज ऑल्सो टेक्निक ऑफ राइटिंग उसके बारे में आप बात करेंगे अब यहां पे दो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं एक है द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान हैज वार्म समर्स एंड कोल्ड स्नोई विंटर्स अनलाइक द नॉर्थ द साउथ ऑफ पाकिस्तान हैज हॉट ह्यूमिड समर्स एंड माइल्ड विंटर्स ये पाकिस्तान के नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है तो नॉर्थ में क्या है कि वहां पे जो समर्स हैं वो गर्म होती हैं ठीक है और इसके अलावा अगर सर्दियां हो तो वहां पे शदीद ठंड होती है बर्फबारी होती है इसके बरक्स अगर हम साउथ की बात करें तो जो गर्मी होती है वो गर्म भी होती है साथ ह्यूमिडिटी नमी होती है उसमें ठीक है और विंटर इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती वो माइल्ड विंटर होती है तो ये क्या है ये हमारा कंट्रास्ट है दो मुख्तलिफ बातों को हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं आगे कंपेरिजन है कंपेरिजन दो कार्टून है सेसमी स्ट्रीट एंड टॉम एंड जेरी और ये सेसमी स्ट्रीट बहुत जबरदस्त कार्टून था इसको बेशक अब यूट्यूब से देख भी लें और ये उस दौर में बच्चों में बड़ा पॉपुलर था बच्चों में क्या बड़ों में भी बड़ा पॉपुलर था तो अब टॉम एंड जेरी ये भी बहुत जबरदस्त है इसी तरह पिंक पैंथर कार्टून होता था ठीक है ना तो ये मुख्तलिफ कार्टून बहुत अच्छे यानी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था इन कार्टून में अब ये क्या है ये कंपेरिजन है ठीक है अब नेक्स्ट अगेन कंपेरिजन कंट्रास्ट इसकी उन्होंने डेफिनेशन आपको दे दी है ये वर्ड्स आपने याद करना है जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले यूनिट्स में भी कि इन वर्ड्स को अलग अब लिख लें और उनको याद भी कर लें समझ भी लें ये कहां पर यूज करना है फॉर एग्जांपल अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे लाइक सेम एज सिमिलर सिमिलर टू बोथ ऑल्सो सिमिलरली लाइक वाइज तो ये सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और कंट्रास्ट के लिए क्या है ऑल दो अनलाइक डिफर बट वेयर एज वाइल इन कंट्रास्ट अनलाइक हुएवर ऑन द अदर हैंड different from तो ये सारे के सारे these are the contrast ठीक है अब transition words इसमें भी उसी तरह use होंगे comparison के लिए ये list उन्होंने दे दी है contrast के लिए भी list दे दी है आगे examples भी दे दी है उसके exercises are there अब आपने transition words यहाँ पे use करना है ठीक है यानी शगुफ्ता वो उसको बिल्लियां पसंद है लेकिन जो husband है वो उनसे नफरत करता है तो यहाँ पे दरमियान में इधर ये comparison हो रहा है या contrast हो रहा है और दरमियान में क्या लफ्ज लगा के हम इसको एक सेंटेंस बना सकते हैं अब नाउ सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन शोइंग द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स तो ये कंट्रास्ट होगा यानी इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं कुछ कंट्रास्ट्स हैं ठीक है स्पीड एंड डिजाइन स्पीड डायरेक्शन ऑफ टेक ओवर लैंडिंग एटसेट्रा तो ये सारी की सारी चीजें क्या है ये इसमें उसी के लिहाज से आप देखेंगे जो चीजें एक जैसी हैं वो समझ लें कंपेरिजन है और जो चीजें दूसरी हैं वो क्या है कि वो आपका कंट्रास्ट है ठीक है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज टू इज देयर तो दिस पैराग्राफ इज गिवन बिलो एंड इट इज कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एरोप्लेन्स के बारे में आप बात कर रहे हैं जब आप टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो उसमें आपने जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है इसको आप आराम से पढ़ें लाइक एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एयर ठीक है अब बोथ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एयर ट्रेवल क्या मतलब है कि दोनों को हम ट्रेवल के लिए यूज करते हैं आगे फिर उन्होंने उसके कंट्रास्ट कर दिया है कि इसमें डिफरेंस क्या है शेप का डिफरेंस है बाकी ये कैसे करते हैं आगे आपने यहां पर इजीली लिख दिया है एरोप्लेन्स ट्रांजिशन वर्ड हेलीकॉप्टर्स उनके बारे में यहां पर आपने लिख लिया है एक्सरसाइज थ्री इज देयर तो अब इसमें पेयर ऑफ सेंटेंसेस हैं अब अगर तो सेंटेंस कंपेयर कर रहा है ठीक है तो आपने टिक लगा देना है और किस तरीके से वो अलाइक है एंड उसी तरह फॉर एग्जाम्पल यूर आईज ईयर्स एंड नोज हेल्प यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन तो ये क्या कंपेरिजन है या कंट्रास्ट है ठीक है यानी आंखें भी कान भी नाक भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या ये तीनों
एक काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो यहां पे वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है। एक आपके माइंड में आ सकता है, नहीं जी आंखें तो देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, लेकिन क्या है कि बेसिकली हम उसका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी आंखों से हम देख के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कानों से सुन के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नोज से हम सूंघ के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये आपने खुद इसमें कर लेना है। एक्सरसाइज 4 इज दिया, इट इज अ शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये भी कंपेरिजन है, और दो रेस्टोरेंट्स उनको कंपेयर यहां पे किया गया है, इनको भी आप खुद पढ़ लें। फिर आगे उसी के लिहाज से है कि डाइनिंग रूम इनके कैसे हैं, काइंड ऑफ फूड कैसी है, सर्विस कैसी है, बिहेवियर ऑफ स्टाफ कैसा है, टाइमिंग्स उनकी क्या हैं, ये आप इनमें देख लेंगे। अब नाउ ये इंटरेस्टिंग टेक्स्ट हैं, यहां पर तीन उन्होंने दिए हुए हैं, तो इसमें भी कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट इसी चीज को इसी की प्रैक्टिस के लिए ये आपको दिए गए हैं। फिर टू एनिमल्स, उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैसे करना है। अब ये थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट है, टेक्स्ट पैसेजेस हैं, तो कंपेयरिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एंड देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये सारे के सारे अब ये आगे क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपने करना है। व्हाट गुड फॉर यू, फ्रेश वर्सेस फ्रोजन फूड, फ्रेश फूड या फ्रोजन फूड, तो अगेन ये सारी की सारी कैसे बनती है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है। एक्सरसाइज 7 इज देयर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव एसे, इज इट अ कंपैरिजन एसे या कंट्रास्ट एसे, व्हाट डू यू थिंक इट इज आइदर, सिग्नल्स को वर्ड्स कौन से यूज किए हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से यूज किए हैं, तो ये सारी की सारी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अब फ्रेश फूड लाइक उसका फ्लेवर अच्छा होता है, तो फ्रोजन फूड का फ्लेवर कैसा होता है, ये आपने यहां पर लिखना है। एक्सरसाइज 8 इज देयर, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, अब सीजन की बात हम कर रहे हैं, ऑटम में क्या है, स्प्रिंग में क्या है। एक्सरसाइज 9 इज देयर, ठीक है, ऑरेंज एंड एप्पल्स, इनके दरमियान में कंपैरिजन क्या है, कंट्रास्ट के ये देखें, सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों फ्रूट हैं, दरख्तों पे उगते हैं, सीड्स हैं, डिफरेंसेस कौन से आ जाते हैं, कि इनका प्रोसेसिंग का अमल मुख्तलिफ है, ठीक है, ये खुद पढ़ लेना है। एक्सरसाइज 10 इज देयर, अगेन इट इज अ पैराग्राफ, और ये दो कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट अब आपने बताना है। सो एक्सरसाइज 11 इज देयर, अनदर सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपने टेबल जो नीचे दिया हुआ है उसको पढ़ना है, और चॉकलेट और पोटैटो चिप्स उनके दरमियान कंपैरिजन क्या है, कंट्रास्ट क्या है, उन दोनों को आपस में आपने लिखना है उसके बारे में। एक्सरसाइज 12 इज देयर, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, डिफिकल्ट मीन्स का थोड़ा सा आप समझेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। 3 पैराग्राफ्स यहाँ पे दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंसेस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिए हुए, यानी कोई सेंटेंस ऊपर है कोई नीचे है, तो आपने उसको प्रॉपर ऑर्डर में करना है, जो चीज पहले बताई जाएगी वो सारे के सारे बाद में भी आपके यानी उसमें सारे आपके यूज होंगे। ठीक हो गया। एंड एक्सरसाइज 13, तो ये भी पैराग्राफ आपने पढ़ना है, एंड इट डिस्कसेस सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज मीन्स कंपेरिजन पैराग्राफ है, ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ आपने डिफरेंसेस वो आपने बताने, इसको ये भी आपने खुद लिखना है, बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। फिर आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे आपका लिख गया, अब आपने सेंटेंसेस बताने कि जो कंपेरिजन शो कर रहे हैं और जो कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड है सिमिलैरिटी, अब ये सिमिलरली, सिमिलैरिटी इन द सेम वे, अब ये क्या, ये समझ लें एक जैसी चीज है, ठीक है, अपोजिट टू दैट, कंट्रेरी टू दैट, बट ये सारे के सारे आपके कंट्रास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ इट इज दीज आर द ट्विन ब्रदर्स जमाल एंड जवाद, अब उनके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 15 इज दिया, ये भी ट्विन्स और जमाल और जवाद के बारे में ही है, और इनको आपने ज्वाइनिंग या ट्रांजिशन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है, यानी आइदर वो उसकी सिमिलैरिटी बता रहे हैं या उसका कंट्रास्ट बता रहे हैं, ये आपने बताना है। फिर जूली और सैंडी, इनकी एक्सरसाइज आ गई है, कंपेरिजन डिफरेंस है। फिर मारिया इज ओवरवेट एंड शी वांट्स टू बिगिन अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, बट शी कांट डिसाइड बिटवीन जॉगिंग एंड वॉकिंग, तो आपने बताना है जी जॉगिंग के क्या फायदे हैं, वॉकिंग के क्या फायदे हैं, दोनों में एक जैसी चीजें कौन सी हैं, ठीक है, तो ये सारी यहां पर आ जाएंगी। एक्सरसाइज 18 इज देयर, ये भी कंपेरिजन कंट्रास्ट ऐसे है, आपके दो सिटीज शारजा एंड दुबई, इनको बताना है आपने सिमिलैरिटीज कौन सी है, डिफरेंसिस कौन से हैं। एक्सरसाइज 19 है, तो ये आपकी अच्छी हंसी प्रैक्टिस हो जाती है, इससे फॉर दैट रीजन इसको प्रॉपरली करें और सारे एसेस खुद लिखने की कोशिश करें, बाकी जो बाजार से असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं या बेचते हैं असाइनमेंट्स उनसे बचा करें,
खुद कोशिश करें ताकि खुद आप सीखें। ओके, फिर जी कंपैरिजन कंट्रास्ट, ये रिसर्च आपने खुद करनी है, ठीक हो गया। एंड 178, दिस इज द चेंजिंग पाकिस्तानी फैमिली, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, क्या हमारी पहले कैसी थी, अब फैमिली कैसे है, ये सारा इसमें बता देना है। देन अबव वैसे द चेंजिंग पाकिस्तानी फैमिली, कैन यू राइट अ शॉर्ट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ ऑन द चेंज रोल्स ऑफ मैन एंड वेमेन इन पाकिस्तानी सोसाइटी, ठीक है ना। ख्वातीन का रोल जैसे बदला है वक्त के साथ गुजरने से, तो उसके बारे में आपने बात करनी है। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच, होपफुली बात समझ आ गई होगी। ये कुछ और एसेज भी इन्होंने दिए हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह हमारा ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।